सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं, ये कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके बिना आज के समय में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 84-85 किलोमीटर दूर बाराबंकी ज़िले के परसावल गांव में हैं। परसावल गांव, ये वो गांव है जहां पर सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, बिजली नहीं है और ना ही है स्वास्थ्य सेवाएं। दिक्कत यही बार-बार का दिक्कत है, और का बार-बार का कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। जैसे क्या क्या नहीं है आपके गांव में? क्या क्या नहीं है तो है, ये खा पिए मतलब सब कुछ का है कमी, सब दिक्कत है, सब बिजली ना कहूँ सड़क ना पड़ा के ही मारो बोड़ो भहराओ, बही आवत है तो बोड़ो भहराओ, कहूँ छुए तो बनाए खा लिए नहीं झुराओ बैठ के। यार परसावल से, परसावल अगर आना हो किसी को तो कैसे आएगा इस समय तो साहब मोटरसाइकिल से। और अगर जब पानी भरा रहता है नदी में तो नाव साहब, नाव। स्कूल जाती हो? कभी स्कूल गई ही नहीं? कितनी उम्र है तुम्हारी? कितने साल की हो? 14 साल की हो। स्कूल नहीं गई हो? अब चुनाव हो रहे हैं देश में, डेवलपमेंट की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी सरकार बढ़ चढ़ के, जो योगी सरकार थी, डेवलपमेंट का इशू भी रेज किया है कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी हम इस मांझा परसावल गांव में एक ऐसे घर में हैं जहाँ पर एक 9 माह की प्रेग्नेंट महिला हैं। इनको कल रात में कुछ दिक्कत हुई थी, कुछ पेन वेन उठा था, तो इन्हें अस्पताल जाना पड़ा था। अस्पताल जाना या अस्पताल या इस गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। इस गांव में सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, एम्बुलेंस आ नहीं सकती, नदी अभी सूखी हुई है तो मोटरसाइकिल से पार करना पड़ रहा है इनको, अदरवाइज़ ये ट्रैक्टर लेते हैं। और ये लोग कभी भी डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि डेवलपमेंट का स्तर क्या है इस गांव में। हम बात करेंगे कि इन लोग को क्या दिक्कत हो रही है। इनके साथ पेट में मतलब पीड़ा था, मतलब डिलीवरी का टाइम है इसलिए हो रही है। तो क्या किए थे जब दर्द उठा था? तो यहाँ पे इतना मौसम गंभीर था कि कोहरा वहरा इतना था कि यहाँ कोई साधन नहीं था, कहीं ले जा कर नहीं पाए। सुबह लेके गए यहाँ से, सुबह अपने मतलब सारी गाड़ी से लेके गए, मतलब बाइक से, मोटरसाइकिल से। हाँ, अब सर डर तो लगता है, क्या करें, यहाँ कोई साधन नहीं था। हाँ, गर्भवती रही, पता है, लेकिन 4 बजे रात का लेके गया। कैसे जाना? गाड़ी से गया ना, मोटरसाइकिल। कॉल किया था सर, यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती, लेके ही नहीं आते, बता दे यहाँ कैसे लेके आए। दवा जरूरत लागत है, कोई लाद लेके जाए तो दवाई पानी करे नहीं, यही मर जाए। अब क्या करेंगे सर, हमारी मजबूरी, किसी तरह से ले जाएंगे। अब तो देर अवेर जब पहुँच पाएंगे, नहीं तो किस्मत में जो होगा वही तो होगा। एम्बुलेंस आती है गाँव में? आ? कुछ नहीं, ये नहीं आते एम्बुलेंस। पेट में दर्द रहा, कमर में दर्द रहा। पेट में दर्द था, कमर में दर्द था, तो आप रात भर उस दर्द को आपने सहा? किस लिए सहा कि मतलब यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है? यहाँ पर आया है तो कोई साधन नहीं, यहाँ पे तो क्या करें, मजबूरी है सहने का ना। यहाँ समस्या ऐसे है कि जैसे अब ये हन कहूँ साधन नहीं है तो ऊँचे जाए के बनावे चाहिए, तो ऊँचे खाली बस दो सुबह जमीन मिली वो के बाद गुजर है ही नहीं करो। अब खेती यही बोर बहरा करना है, यही है अलग नहीं। अभी तो नदी सूखी हुई है, नदी जब बढ़ जाती है तब कैसे करते हैं सर? तब तो बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। क्या दिक्कत होती है बताइए? अभी पानी वानी सारा भर जाता है यहाँ, बहुत दिक्कत है खाना बनाने, कोई दिक्कत, कोई सिस्टम ही नहीं रहता, किसी तरह से टाइम काटते हैं बाढ़ में। कभी आपने फॉर्म भरा प्रधानमंत्री आवास योजना का? फॉर्म तो कई दिन भर गया लेकिन दिए नहीं। अच्छा, नहीं दिए? और बुढ़िया हो गई तो पेंशन फॉर्म भरा, बनवाया एक बार? कहीं प्रधान कहीं बनवा दे और कहीं नहीं बनवा। अच्छा, प्रधान मतलब आपका कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं करते हैं? वो ऐसे कोनो मतलब नहीं, कोनो इनकार नहीं है। यही सड़क कच्ची वाली सड़क पटा रहे हैं, नरेगा पटावत रहे, अब 3 साल से नहीं पटा रहे हैं। और अब यहाँ बराबर होगा, बाढ़ में आवा था, यहाँ घर में पानी हिल जाता है बाढ़ में। हाँ, खटिया की तो खाओ बनाओ। अस्पताल की क्या स्थिति है आपके गाँव में? अस्पताल कोई चीज का नहीं है, नहीं है। काम दिक्कत यह है, ये भैया हो ऐसा है, कोनो हिया कोनो ना प्रधान पूछे वाली है ना कोई पूछे वाली। अच्छा भैया, पंजेदारी कर लो तो डटे लोग से हम जाते हैं। जैसे जाना है इधर से जाओ वो बंद है, तो नाव से
इधर जाओ तो ना उसे, जब वो बंधा आटो तो उधर साधन, चाहे जो साधन मांगो, और इधर आटो तो और बाढ़ में कोई साधन नहीं आने वही है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है, तब का कि मोटरसाइकिल है घर में वही ले जावा जाते, नहीं साइकिल से ले जावा जाए। क्या हुआ था जब नदी बाढ़ा था तो खटिया आटिया पर खाना पानी मिला था, बनाई पाओ तो खाओ नहीं ना खाओ, और कोनो ही कोनो इनकारी नहीं हुआ था, कोई साहब ना देखा है ना कोई देखा है। बिजली साहब यहाँ देखो कहो है बिजली, आप खुद देखो यहाँ है बिजली, हमारे बताए क्या मतलब है, है या नहीं है, यहाँ कहाँ बिजली नहीं है, वही पार है बांध के नदी उस पार है, कुछ नहीं है बिजली, कहाँ है यहाँ अंधेरे में रहो। कितने भाई बहन है घर में? आठ। भाई कितने बहन कितनी है? पढ़ने कोई गया उनमें से? कोई नहीं गया। प्रधान को कोई मतलब नहीं है? बस वोट का मतलब। अच्छा, बस उनको वोट चाहिए, बस और कुछ नहीं? वोट कोई मतलब है, वोट दे दिए जाए। पढ़ाई का क्या आलम है गांव में? पढ़ाई साहब कोई चीज का व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई कोई प्रधान कोनो चीज कोई व्यवस्था नहीं का था, कॉलोनी उधर नहीं पुरम जादव जी का दिया था, हमारे यहाँ निषाद का कोई चीज का है ये नहीं है। अच्छा, और आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? कहीं नहीं पढ़ाए जाते हैं, स्कूल ही नहीं है। स्कूल साहब यहाँ नहीं है, स्कूल खदर बदल लागत है तो बांध के वही पान लग रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं कहाँ साहब जाए पास बताओ, बरखा में नाम कहाँ साहब चले जाने पर? स्कूल मम्मी ने भेजा नहीं? क्यों नहीं भेजा? अच्छा, तो कितना समय लगता है यहाँ से आपके गाँव से अस्पताल जाने में? जितनी देर में जाओ घाटे पर, अगर जब ना पाए जाइए तो जाइए, ना पाए तो बैठे रहिए बाड़ी। बिजली बिजली का क्या स्थिति? बिजली का यही सूरजा दिया यही जलत है। टीवी रेडियो कुछ नहीं है? कुछ नहीं। नदी की वजह से नहीं पढ़ने जा पाए? हाँ साहब, बस नदी पे अगर पुल बन जाए तो तब तो साहब जाए चले जाए हैं बच्चे, तब चले जाए, तब बच्चे चले जाए। नदी का डर है? अच्छा, तो इसीलिए तुम लोग स्कूल नहीं गए? जब पुल बन जाएगा तो अस्पताल कहन कहाँ, वह बरखा में ही तबियत खराब रहा यार, तब गए ना तब से ना ही गए हैं बरखा में। तो उस समय तो नदी काफी बड़ी रही, नदी काफी रहा, नाव पर बैठ के गए हैं। अच्छा, क्या कितनी दिक्कत आई? अरे कितनी दिक्कत, बैठे बैठे वह तक रात का नाव आई, तब लटे घरे लटे ना किया, रात में गाँव रात में नाव आवत है, जब बरखा में नाव जाती है तो रात का नाव लौट के आवत है। अच्छा, हमका सबका बहुत बरखम दिक्कत की अधिक। बाढ़ आती तो पानी कहाँ तक आ जाता है? ये पानी तो कहो हटिया खटिया गाड़ के कोनो में बसर करत जाई थे, यूं कहो यहाँ आपके घर में पानी आ जाता है जब बाढ़ आती है? कोई घर में नहीं बाकी, सबके घर में पानी चढ़ जाए। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं। क्यों? स्कूल ही आई नहीं, कहाँ चले जाए? स्कूल नहीं है, सड़क की क्या हालत है? सड़क की क्या हालत है? कौन सड़क यही हालत है सड़क के भैया, देख लियो ही मैं तो प्रधान पटाई जा रहा हूँ अपन। अस्पताल है या कौन है सर? तो जब रात बिरात तबीयत बिगड़ती तब क्या करते हैं? आज आज बताए थे उधर खराब, वहाँ चचरी गए हैं वो हमारी वो पतोहिया। अच्छा, हाँ चचरी गई है। हाँ। कैसे गई है? मोटरसाइकिल से सर गए। साहेब ये बाढ़ के हाल में आओ तो इसका हाल तुम पूछो, तो तुम पूछबे ना करी हमसे कुछ कि कहाँ पर घर आ है, कहाँ नाव लागत, पानी के कैसे खाना बना बनाते हो? तखत साहेब उधर रखा है, तखत पर खाना बनता है। तो खाना कैसे बनाती हैं फिर जब बाढ़ आती है? मतलब खटिया गाड़ लीन जाते, खटिया रह लीन जाते, खटिया को पिहाना रह लीन जाते, तब बनावत है। कभी आपके घर में ऐसा हुआ रात बिरात के बीमार पड़ा तब क्या किया? ना उसे साहब जावा जाता है, ना उसे रात में भी। हाँ रात में मजबूरी है तो रात में जाए नहीं पड़ी। कितना दूर है यहाँ से शहर, अस्पताल, स्कूल? बड़ी दूर, इधर जाएगा तो तुमको दूरी मिलेगा, दक्षिण पास जाएगा तो तुमको दूर मिलेगा। स्कूल स्कूल है नहीं, लड़का कहूँ पढ़ाए ना लिखे का व्यवस्था है नहीं, कहूँ रोड ना बिजली ना बाला, कहूँ ना मेरे बैटरी सूर्य चार्ज करो।